क्या आप जानते हैं क्यों मिली थी भीष्म पितामह को बाणों की शैया? किसने दिया था उन्हें ऐसी मृत्यु का श्राप? क्यों मरे थे वो ऐसे? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वायरल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह वीडियो हिंदू लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियाँ हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। वैसे तो महाभारत के मुख्य पात्र और कुरुवंश के स्तंभ भीष्म पितामह को धर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि भीष्म के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। साथ ही कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि भीष्म पितामह ने अपने पूर्व जन्म में कई अपराध किए थे, जिसकी ही वजह से उनकी मृत्यु बाणों की शैया पर हुई। आखिर क्या थे वो पाप? किसने दिया था उन्हें यह कठोर श्राप? दर्शकों, आइए जानते हैं कि भीष्म पितामह ने कौन कौन से ऐसे घोर पाप किए थे। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक द्यू नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम की गाय का हरण कर लिया। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे डाला। ऋषि के श्राप से वसुओं ने घबराकर महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा की प्रार्थना की। 8 वसु ने काफी प्रार्थना करी, क्षमा मांगी। काफी समय बीतने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने बोला कि हे वसुओं, दियों को छोड़कर अन्य सारे वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन दियों को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। श्राप के अनुसार दियू अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लेगा और अपनी भीषण प्रतिज्ञा के व श्राद्ध के कारण भीष्म कहलाएगा। श्राप के अनुसार दियू अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लेता है और अपनी भीषण प्रतिज्ञा व श्रद्धा के कारण भीष्म कहलाए। ऐसा मानना है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बनकर रहने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। तो दोस्तों, अब हम आपको भीष्म द्वारा किए गए कुछ घोर पाप बताएंगे। सत्यवती के कहने पर भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया गया। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह चुपचाप बैठे थे। भीष्म ने जानबूझकर दुर्योधन और शकुनी के अनुचित और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। महाभारत युद्ध में जब कौरवों की सेना जीत रही थी, तो भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था और युद्ध में भीष्म को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था, जो उनके पूर्व जन्म के अपराध के कारण मिला। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तो श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की शैया मिली? तब श्री कृष्ण बोले, पितामह, आप कुछ जन्म पूर्व जब एक राजकुमार थे, तब आप एक दिन शिकार पर निकले। उस वक्त एक करकेटा, कई पैरों वाला कीड़ा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। कुछ समय वह कांटेदार पेड़ पर जाकर गिरा और कांटे उसकी पीठ में धस गए। करकेटा जितना खुद को उस वृक्ष से निकालने की कोशिश करता, उतना ही फंसता रहता और कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते।
और इस प्रकार करकेटा 18 दिन जीवित रहा और कष्ट भोगता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु हो। इसी कारण आपको इस जन्म में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा है और यही शैया आपको आपके श्राप से मुक्त करवाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार ही हमारे कर्मों से ही यह तय होता है हमारी मृत्यु या हमारा जीवन कैसा रहेगा। हम जितने बुरे कर्म करेंगे, हमें उतने ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके हमें बताएं, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें। आगे ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।